से सांसद जो हैं आपके भतीजे हैं, उनके सांसद होते हुए आप बदायूं में आए हैं और उसके बाद बदायूं की पूरी टीम जो है समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये संदेश जा रहा है कि आपके और आपके भतीजे यानी धर्मेंद्र यादव जी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चाहे धर्मेंद्र हो चाहे पूरे परिवार के लोग हों, धर्मेंद्र को भी हमने हमारे साथ रहे, पढ़ाया लिखाया है, और इनके पूरे परिवार की शादी से लेकर के मेरे द्वारा की गई है, और इनके पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आज भी मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। अब वो समझे, लेकिन मैंने जो कुछ अच्छा मैंने जो कुछ किया है परिवार के लिए ठीक ही किया है और ठीक ही करेंगे। अब ये समझेंगे, अब ये लोग समझें और ये समझें उनको क्या करना है, परिवार कैसे चलता है। हमारा तो कोशिश ये है कि परिवार एक हो। आपके वरिष्ठ जो नेता हैं समाजवादी के, उनके मन के विरुद्ध अखिलेश जी ने मायावती जी से टाइप किया, चलिए वो कहाँ तक सही है? आप देखिए, वो अखिलेश समझे पार्टी कहाँ से मजबूत होगी, हम तो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। नहीं, ये राजनीतिक सूझबूझ है या उनकी नादानी कहेंगे आपके साथ जो गुजरा? अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पार्टी की तरफ से कोई भी पार्टी के जिलाध्यक्ष आपके स्वागत के लिए नहीं दिखा, क्या? अब ये तो वो ही समझ सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं समझता। मैं तो समाजवादी पार्टी में विधायक भी हूँ और समाजवादी पार्टी में हूँ भी, अब वही लोग समझते होंगे। और अभी तक तो मैंने तो समाजवादी पार्टी का ही काम कर रहे हैं, हमारे आने से समाजवादी। लेकिन मंत्री जी, काफ़ी लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी में हाशिए का दुख झेल रहे हैं, ये भी सत्य है? देखिए, हाशिए पे मैं तब जा सकता था जब मेरे साथ पब्लिक न होती। हमारे पास हमारे साथ देखिए पब्लिक भी है, हम जहाँ जाते हैं जब बिना सूचना के इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर पर जाने का निमंत्रण भी मिल जाता है, चाय भी मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, खाना भी मिलता है और बहुत अच्छा खाना मिलता है, और लोगों के चेहरों पर फिर मेरा राज्यपाल शासन लागू हो गया। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के नेता हैं, एक उनका बयान आया है और दूसरा बयान सैफुद्दीन सोच का आया है। सैफुद्दीन सोच ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का कहना यह है कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं, उसका सैफुद्दीन सोच ने समर्थन किया है। और गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा है कि भारतीय फौज जितने वहाँ आतंकवादियों को मारती है उससे ज़्यादा निर्दोष लोगों को मारती है। जो इन दोनों कांग्रेस के नेताओं का बयान है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अभी इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब करें तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करें, अगर हम करेंगे तो ठीक नहीं अभी होगा, हमारे लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए। अब इस पर राष्ट्रीय समस्या है तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पहले करें, इस पर करें।